भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बागेश्वर के गेट पर नारेबाजी के साथ विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के तनुज करम्याल व रविन्द्र कोश्यारी ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिकता संशोधन कानून व NRC की आड़ में संविधान से छेड़छाड़ करना चाह रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि NRC की आड़ में देश व समाज को बांटने की भाजपा की कोशिश है। NSUI ने देश व समाज को बांटने वाले इस कानून को समाप्त किए जाने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि कानून वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन तेज किया जाएगा। आज जो पहले पूर्व में बताया गया था कि क्या कहते हैं, आज नागरिकता संशोधन और कैप के विरुद्ध आज पुतला दहन किया गया। यह कार्यक्रम NSUI परिवार ने पूरे प्रदेश भर में किया गया और यह जताया गया पूर्ण रूप से विरोध कि इसे वापस लिया जाए और वरना अन्य कार्यवाही करने में हम बाध्य रहेंगे। यह कार्यक्रम एक हिसाब से पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्ष में कार्यक्रम कराया जा रहा है और लगातार धर्म विरुद्ध कराया जा रहा है और हमारे भारतीय संविधान को लगातार इसमें लाचार साबित करने का सिद्ध किया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, और हमें धर्म के जाति के नाम पे लड़ाने का पूर्ण समर्थन दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा और हम इसके पूर्ण रूप में विरोध में हैं। और जैसे कि केंद्र सरकार हमेशा से ही नागरिकों को हमारे युवा साथियों को नौकरी तो दे नहीं पा रही है और लगातार कुछ ऐसे प्रयास कर रही है जिससे देश भर में विवाद की स्थिति पैदा हो रही है और आक्रोश जाग रहा है युवाओं पर। आज हमने महाविद्यालय बागेश्वर में जो है CAB के विरोध में, NSUI कार्यकर्ताओं ने कैब के विरोध में पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा जो हमारे देश की धर्मनिरपेक्षता के मूल ढांचे पर प्रहार किया जा रहा है उसके विरुद्ध हमने विरोध प्रदर्शन किया। और जो केंद्र सरकार द्वारा केवल 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी आए हुए हैं यहाँ पर, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक हैं उनको तो नागरिकता दी जा रही है, लेकिन मेरा केंद्र सरकार से सवाल है कि क्या अल्पसंख्यकों की परिभाषा, यानी कि उनके मानवाधिकार केवल धर्म के आधार पर निर्धारित होते हैं, तो अगर आप धार्मिक रूप से 45 अल्पसंख्यकों को अगर अपने देश में नागरिकता देते हैं तो मेरा मानना है श्रीलंका के तमिल भी वहाँ पर पीड़ित हैं और पाकिस्तान के शिया और अहमदिया भी मुस्लिम समुदाय हैं, शिया और अहमदिया वो भी पीड़ित हैं, तो उनको भी नागरिकता दिलाई जाए। CCN न्यूज के लिए सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।